आप लोगों का रोहिणी गिरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं अपनी स्वरचित कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो आशा है कि आप लोगों को मेरी जो कविता है पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी कविता पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरदम मेरे मन में एक सवाल आता है, हरदम मेरे मन में एक सवाल आता है, क्यों हिंदी दिवस के दिन ही हर भारतवासी को हिंदी का ख्याल आता है? क्यों हिंदी दिवस के दिन ही हर भारतवासी को हिंदी का ख्याल आता है? कहाँ चले जाते हैं वो लोग, कहाँ चले जाते हैं वो लोग जो हिंदी दिवस का चिराग अपने दिलों में जलाए फिरते हैं? कहाँ चले जाते हैं वो लोग जो हिंदी दिवस का चिराग अपने दिलों में जलाए फिरते हैं? जब कुछ लोग हिंदी में बोलने वालों का मजाक उड़ाया करते हैं, जब कुछ लोग हिंदी में बोलने वालों का मजाक उड़ाया करते हैं, ओह यू डोंट नो इंग्लिश कहकर, ओह यू डोंट नो इंग्लिश कहकर उनका मजाक बनाया करते हैं, फिर वही महान लोग हिंदी दिवस पर हिंदी हिंदी के नारे लगाया करते हैं। कहते हैं हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, कहते हैं हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, फिर क्यों भूलते जा रहे हैं लोग हम इस मातृभाषा के बिना मात्र एक शमशान है, फिर क्यों भूलते जा रहे हैं लोग हम इस मातृभाषा के बिना मात्र एक शमशान है। अगर ना रही हिंदी तो ना यह अभिमान रहेगा और ना ही हिंदुस्तान रहेगा, अगर ना रही हिंदी तो ना यह अभिमान रहेगा ना ही हिंदुस्तान रहेगा। तो फिर जाग जा, अभी भी वक्त है हिंदुस्तान के बंदे, तो फिर जाग जा, अभी भी वक्त है हिंदुस्तान के बंदे, हिंदी है तो तू है, मैं हूँ ये हिंदुस्तान है, हिंदी है तो तू है, मैं हूँ ये हिंदुस्तान है। जिस दिन हिंदी मिट गई सोच तू भी मिट जाएगा, और ये हिंदुस्तान भी मिट जाएगा और तेरी पहचान भी मिट जाएगी। हरदम मेरे मन में एक सवाल आता है, क्यों हिंदी दिवस के दिन ही हर भारतवासी को हिंदी का ख्याल आता है? हरदम मेरे मन में एक सवाल आता है, क्यों हिंदी दिवस के दिन ही हर भारतवासी को हिंदी का ख्याल आता है? जय हिंद जय भारत।